क्लॉक टावर से नीचे आने के बाद आपको ये एक बेहतरीन सा स्टोर नज़र आएगा। इस स्टोर में बहुत कीमती फोटोज, गिफ्ट आइटम्स हैं जो आपको खरीदने में मजबूर कर देंगे। क्लॉक टावर का नमूना कौन सी तो क्लॉक टावर के टूर से फारिग होने के बाद जब आप नीचे उतरते हैं, वहाँ पर आपको एक स्टोर नज़र आएगा। इस स्टोर में सारी वही चीज़ें मौजूद हैं जो आप ऊपर देख कर आए हैं, उनके फ़ोटोग्राफ्स, उनके मॉडल्स, उनके क्रिस्टल के मॉडल्स, वो घड़ी जो क्लॉक टावर पर लगी हुई है, सेम उसी किस्म की वॉल क्लॉक आपको मिलेगी, एग्जैक्टली सेम उसी का प्रोटोटाइप। और क्रिस्टल के बहुत खूबसूरत मॉडल्स थे यहाँ पर, उसकी ब्रांडिंग वाला पावर बैंक था, अलग अलग किस्म की घड़ियाँ, पोस्टर्स। इसमें भी कई किस्म की अलग अलग वॉल क्लॉक्स हैं, कुछ कम कीमत की हैं, कुछ ज़्यादा कीमत की हैं। ये 798 रियाल की है और बनते हुए वक्त की कुछ बर्ड्स आई व्यू की फ़ोटोग्राफ्स, जब ये चांद ऊपर नस्ब किया जा रहा था उस वक्त की फ़ोटोग्राफ्स। कुछ छोटी घड़ियाँ टाइम पीसेस उसी सेम पैटर्न के। क्लॉक टावर की ब्रांडिंग वाले लेदर पाउचेस 630 रियाल, बहुत महंगी चीज़ें हैं हाँ, लेकिन खूबसूरत हैं। मुख्तलिफ किस्म के टाइम पीसेस, टेबल क्लॉक्स, वॉल क्लॉक्स, पोस्टर्स, बहुत सारी एक्सेसरीज थी। मैंने यहाँ से कुछ नहीं ख़रीदा क्योंकि सब कुछ बहुत महंगा था, और लेकिन मुझे इसका एक ब्लॉग करना था ताकि मैं पूरी डिटेल में हर चीज़ आपको बता सकूं। लोग यहाँ से बहुत कुछ ख़रीदते होंगे। ऊपर जो हमने नेबुलास देखे थे उनकी रियल पिक्चर्स हैं यहाँ पर, सूरज की पिक्चर है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप घूमें तो काफ़ी वक्त लगेगा यहाँ आपको। ये पज़ल बच्चों के लिए, क्लॉक टावर की पज़ल बना रखी है इन लोगों ने, वो भी अवेलेबल। और एक ख़ास बात ये कि जो मैं इसकी कंस्ट्रक्शन की वीडियो यहाँ पर चल रही थी, जो मैंने थोड़ी देर खड़े होकर शूट भी करी, तो उसकी भी आपको यहाँ पर एक डीवीडी मिल सकती है अगर आप ख़रीदना चाहें तो। उस डीवीडी की कीमत 37 रियाल्स थी, और अगर आपको ब्लू रे लेनी है तो उसकी शायद 100 रियाल के आसपास कीमत है, वो भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। इस स्टोर को जल्दी जल्दी मुख्तसरन देखने पे ही इशा की अज़ान हो गई। इन लोगों को भी जल्दी थी, अज़ान के 5-7 मिनट पहले ये लोग बंद करने लगते हैं, लेकिन मेरी वजह से थोड़ा सा इन्होंने मुझे रियायत दी और देर मुझे शूट करने दिया। अज़ान हुई, मैं इसके बाहर आ गया, और उसके बाद क्लॉक टावर ही के 9th फ्लोर पर हम इस टाइम हैं। यहाँ इस 9th फ्लोर पर जब आप वापस निकलेंगे यहाँ से, इस स्टोर से वापस निकलेंगे तो थोड़ा सा बाहर आएंगे तो आपको मस्जिद नज़र आएगी। ये वो मस्जिद है, यहाँ पर एक पूरे फ्लोर पर बनी हुई है। इसमें हरम ही की जमात से नमाज होती है। अगर आप सामने उतर कर ना जा पाएँ या कुछ और मसला हो, तो आप जल्दी में यहाँ पर इस मस्जिद में भी हरम शरीफ की नमाज बाजमात अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल सिंपल है, बड़ा सा हॉल है मस्जिद हरम की। यहाँ पर साउंड सिस्टम लगा हुआ है, वहीं की यहाँ आप जमात से नमाज पढ़ सकते हैं।